हाँ बताइए मंदिर का क्या इतिहास है जी। इसका ऐसे बताता जी, पांच बद्री हो गया ना, पांच बद्री, तो महोदय पंच बद्री में से प्रथम बद्री कहलाएगा आदि बद्री, आदि बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, विशाल बद्री, विशाल में सर जी बद्रीनाथ जी। तो बद्रीनाथ में मेन प्रतिमा भगवान विष्णु जी हैं, आदि बद्री में भगवान विष्णु जी यहाँ पर जी स्टैंडिंग में खड़े रूप में विराजमान, और बद्रीनाथ में साहब पद्मासन बैठे में। नियम भी थोड़े बहुत वही है जैसे बोलते हैं अभिषेक डेली सुबह 5 बजे, दोपहर को भोग होना सर, शाम को आरती। सर जी साल में यहाँ पे 1 महीने होते हैं कबाड़ बंद, 1 महीना पूछ मास बोलते हैं, हर साल 16 दिसंबर को बंद होना, 14 जनवरी का होता ना मकर संक्रांति वो दिन ओपन होना, ऐसे करके 14 मंदिरों का समूह है यहाँ पे। जैसे बोलते बद्री इस पंचायत, जैसे मैन विष्णु जी हैं, गरुड़ जी, लक्ष्मीनारायण, सत्यनारायण, ऐसे करके महोदय 14 मंदिरों का समूह है। लेकिन महोदय पंच बद्री में सर प्रथम बद्री कहलाई गई आदि, आदि के मतलब शुरुआत, शुरू बद्री, फर्स्ट बद्री। और यहाँ पर्व होता है कोई साल में एक बार भी होता है सर जी, पर्व तो एक तो जैसे कपाट खुलते हैं तब होता है, हाँ जी, 14 जनवरी से भी जो है ना तभी पर भी होता है, हाँ जी। और उसके बाद जो है अभी जैसे सावन के महीने के सोमवार हुए, जन्माष्टमी है, शिवरात्रि है, और एक मेला जो है यहाँ हर साल गर्मी में लगता है वो, हाँ जी, ये है कि बैसाख के महीने का लास्ट सोमवार, हाँ जी, और जेठ के महीने का शुरू सोमवार, तो वो इस साल जो है 13 मई को पड़ रहा है। अच्छे से, हाँ, वो 10 मई से लेकर के और 17-18 मई के बीच पड़ता है, हाँ जी, अब के साल जो है 13 मई का पड़ रहा है। ठीक है, धन्यवाद। आदि बद्री चमोली कर्णप्रयाग के पास में एल्युमिनियम पड़े हुआ है।